हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 7 क्रिस्टल तंत्रों को आसानी से याद कैसे रखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है 7 क्रिस्टल तंत्र के लिए ट्रिक। आज के इस वीडियो में मैं 7 क्रिस्टल तंत्र को याद रखने के लिए आपको एक बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार ट्रिक बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और उसके बाद एक बार आप खुद अपने कॉपी पे ट्राई कर लेते हैं, वीडियो बंद करके आप खुद ही ट्राई कर लेते हैं, तो आपको दोबारा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप 7 क्रिस्टल तंत्र को लिख पाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसको आप अभी समझ नहीं सकते हैं, तो अभी आपको याद ही रखना है, क्योंकि समझने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वहाँ तक आप शायद आपका IQ ही नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए समझने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे हम, इसको याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाऊँगा। ये कहानी है इन दो बच्चों की जो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इसमें एक जो बच्चा यहाँ पे आपको सीटी बजाते हुए दिख रहा है, ये पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, और दूसरा जो बच्चा है ये पढ़ने में तेज है। तो आप जानते हैं, जो पढ़ने में तेज लड़का होगा उसको क्लास में टीचर के द्वारा और दूसरे बच्चों के द्वारा एक सम्मान मिलता है। इसको देख के जो ये कमजोर लड़का है, इसको थोड़ी जलन होती है, लेकिन इसके दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती है कि ये पढ़ने में भले ही मेरे से अच्छा है, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे काम कर लूँगा कि जो ये नहीं कर पाएगा। ये सोचकर ये इसका सांत्वना होता है, ये इसके दिमाग में चलता रहता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा जलन इसको नहीं होती है। एक बार ये दोनों एक साथ घूमने पार्क में जाते हैं, वहाँ पे ये थोड़ी सी पढ़ाई की बात करता है, तो इसको थोड़ी जलन हो जाती है और इसके मन से जो मन की बात है वो इससे बाहर आ जाती है। ये कहता है पढ़ने वाले लड़के से कि तुम पढ़ने में मेरे से तेज हो, ठीक है, तुम्हारा सम्मान भी है स्कूल में, टीचर भी तुमको बहुत मानते हैं, लेकिन मैं बहुत सारा ऐसा काम कर सकता हूँ जो तुमसे होगा ही नहीं। इस बात पे जो तेज लड़का है ये कहता है, अच्छा ऐसा तुम करके दिखाओ, ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम करो फिर मैं तुमको करके दिखाता हूँ, शायद मैं तुमसे भी अच्छा कर लूँगा। तो इस बात को लेकर दोनों में शर्त लग जाती है। तो शर्त लगने के बाद बच्चा है ये सबसे पहला काम करता है, एक सीटी बजाता है, एक लंबी सी सुरीली सीटी बजाता है। ये जो तेज लड़का है इसको भी सीटी बजाना आता है, तो जब ये सीटी बजा रहा होता है, एक लंबी सीटी बजा रहा होता है, तो बीच में ही कहता है, सीटी ओह रहो, यानी रुको, हम ट्राई करें। तो ये तेज लड़का कहता है, सीटी ओह रहो, हम ट्राई करें। उसके बाद ये सीटी बजाता है, अब इसकी सीटी इससे बेहतर निकल जाती है। तो आपको पूरी कहानी में से इस सेंटेंस को ध्यान रखना है, सीटी ओह रहो, हम ट्राई करें। अब हम बात करें इस सेंटेंस से हम क्रिस्टल तंत्रों को कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे सेंटेंस में जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, वो आपको एक क्रिस्टल तंत्र का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। जैसे यहाँ पे सी लिखा गया है क्यूबिक के लिए, टी यहाँ पे प्रदर्शित करता है टेट्राहेड्रल को, ओ मीन्स ऑर्थोरॉम्बिक, और रहो मीन्स रोम्बोहेड्रल, एच मीन्स हेक्सागोनल, एम मीन्स यहाँ पर मोनोक्लिनिक, और ट्राई मीन्स यहाँ पर है ट्राइक्लिनिक। और आप गिन लीजिए कि अब तक आपने 7 क्रिस्टल तंत्र को लिख लिया है, और आप सबको पता है क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो करें सेंटेंस करें, ये जो शब्द है इसका, इस सेंटेंस को बस कंप्लीट करने का काम है, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या था, सी टी ओ रहो, हम ट्राई करें। और ये सेंटेंस कहाँ से मिला हमको, एक कहानी से, दो बच्चों की कहानी थी जिसमें एक कमज़ोर बच्चा है और एक तेज बच्चा है, दोनों में एक दिन शर्त लगती है। कमज़ोर बच्चा कहता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जो तुम नहीं कर पाओगे। तो इस क्रम में जो कमज़ोर बच्चा पहला काम क्या करता है, एक सीटी बजाता है, और सीटी जब वो बजा रहा होता है, एक लंबी सीटी बजाता है, तो बीच में ही जो तेज बच्चा है वो कहता है, सीटी ओ रहो, यानी रुको, हम ट्राई करें। तो ये सेंटेंस हमको मिला, और यहाँ से हमने
सभी जो क्रिस्टल सिस्टम थे उनके नाम को कोरिलेट कर लिया। इसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, एक कॉलम में मैंने लिखा है क्रिस्टल तंत्र, फिर अक्षीय दूरियाँ और तीसरे कॉलम में मैंने लिखा है अक्षीय कोण, और अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज हमने यहाँ पर क्रिस्टल तंत्रों को लिखा है। ये जो क्रम है हो सकता है आपकी किताब के क्रम से अलग हो जाए, तो उससे आपको कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, आप सीरियल को इधर उधर कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या था, सीटी ओह रहो हम ट्राई करें, करे का यहाँ कोई सेंस नहीं था, तो सी मीन्स था क्यूबिक, टी मीन्स टेट्रागोनल, ओ मीन्स आर्थोरम्बिक, रहो मीन्स रोम्बोहेड्रल, एच मीन्स हेक्सागोनल, एम मीन्स मोनोक्लिनिक और ट्राई मीन्स ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ क्रिस्टल तंत्र वाले कालम को हम भर चुके हैं, अब हम भरेंगे अक्षीय दूरियों वाले कालम को। तो देखिए आप क्यूबिक के केस में जानते हैं कि किसी क्यूब में तीनों अक्षीय दूरियां, जिसको आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी कह सकते हैं, वो बराबर होती हैं। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अक्षीय दूरियों को आप ए बी सी से और अक्षीय कोण को अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर क्यूबिक के केस में हम अक्षीय दूरियां क्या लिखेंगे, ए बराबर बी बराबर सी। अब हम इसके बाद इसके अक्षीय कोण को भरने से पहले टेट्रागोनल के अक्षीय दूरी को भरेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। अब आपको ये रिलेट कैसे करना है कि देखिए एक बार तो क्यूबिक में हमने तीनों बराबर लिखा, जब इसके नीचे आएंगे तो एक को कैंसिल कर देंगे दूसरे वाले को, यानी कि बी और सी के बीच में जो इक्वल है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। तीसरे में हम इन दोनों इक्वल को कैंसिल कर देंगे, दोनों जो बराबर का साइन है इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। तो पहले इन तीन को भर लेना है आपको ऊपर से, यानी कि तीन तीन का आपको ग्रुप बनाना है, तो तीन तीन छः हो जाएंगे और एक बचेगा तो वो हम अलग से भरेंगे। अब तीन का ही ग्रुप बनाना है, इसको भी आप इस ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सी टी ओ के बाद ये आपको चिन्ह दिखाया गया है, इसको आप फुल स्टॉप मान लीजिए, ये जो है चिन्ह दिखाया गया इसको खड़ी पाई मान लीजिए। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि तीन का ही ग्रुप बनाना है। तो हमने तीन का ग्रुप बनाया और तीनों के लिए अक्षीय दूरियों को एक क्रम में भर लिया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आप। अब बात करते हैं अक्षीय कोण की, तो तीनों के अक्षीय कोण एक जैसे होते हैं। तो क्यूबिक के केस में हम लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यही बात हम लिखेंगे टेट्रागोनल के लिए और यही बात हम लिखेंगे आर्थोरोम्बिक के लिए, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। तो ये तीन हमने भर लिया, तो इस तरह से हमको ये तीन क्रिस्टल तंत्र जो थे वो याद हो गए। अब आगे हम देखते हैं, तो आगे फिर हम तीन का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्रुप बना लेंगे रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक का, और तीनों की अक्षीय दूरियों को पहले हम भरेंगे। तो अक्षीय दूरियों को भरने का पैटर्न यहाँ पर क्या रखेंगे हम, कि ये जो तीन हैं इनको दोबारा से लिख देंगे। तो देखिए रोम्बोहेड्रल के लिए हम लिखेंगे ए बराबर बी बराबर सी, हेक्सागोनल के लिए लिखेंगे ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और मोनोक्लिनिक के लिए हम लिख देंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये जो पहला ग्रुप था तीन का, इन तीनों को हमने दोबारा से लिख दिया। तो इस तरह हमने इन तीनों के लिए अक्षीय दूरियाँ भर दी। अब इनके अक्षीय कोणों के कालम को हम भरेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो देखिए यहाँ पे आपने तीन बार रखा है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, इस बार आप रखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होंगे 90 अंश, ये बात आप ध्यान रखेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आप क्या ध्यान रखेंगे कि दूसरे जब ग्रुप को हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो ये 90 अंश था ये इसके बराबर को हम कैंसिल कर देंगे। अब एक बार जब ये बराबर कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ पे डिसऑर्डर जो था, ये जो क्रम था, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो हेक्सागोनल में आप क्या रखेंगे कि अल्फा और बीटा तो 90 अंश है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश,
लेकिन गामा 90 अंश नहीं है, तो गामा है कितना? तो इसका मान आपको याद रखना है, गामा बराबर 120 अंश। आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि हेक्सागोनल एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें हम लोग 90 अंश से ज़्यादा किसी कोण की बात करते हैं, और यहाँ पे लास्ट वाले को, हेक्सागोनल में लास्ट वाले कोण को अर्थात गामा कोण को हम रखते हैं 120 अंश, और बाकी हर बार हम 90 अंश के बराबर करेंगे या तो 90 अंश के बराबर नहीं करेंगे, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार 120 अंश का यूज करना है, वो भी कब करना है? हेक्सागोनल के केस में, बाकी हर बार हम 90 अंश का ही यूज करेंगे। तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब भरते हैं मोनोक्लिनिक के लिए अक्षीय कोण को। तो यहाँ पर क्या करना है, जो हेक्सागोनल वाला है इसी से आपको मोनोक्लिनिक वाले को भरना है। यहाँ पे जो बीटा और गामा है इनको आपस में आपको चेंज कर देना है। तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू गामा। देखिए बीटा को हमने यहाँ से हटाया, यहाँ पे गामा लिख दिया, तो हमने लिखा अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब बीटा को हमने यहाँ से हटाया है तो गामा के स्थान पे ला दिया है, तो इसलिए हमने लिखा है बीटा, और यहाँ पे हम बराबर 120 अंश नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि एक ही बार पूरे 7 क्रिस्टल तंत्र में आप 90 अंश से ज़्यादा वाले कोण को यूज करेंगे, और वो भी कब, हेक्सागोनल में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। एक बार और फिर मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या करना है, बीटा और गामा के स्थान को आपको चेंज कर देना है। तो अल्फा बराबर गामा, क्योंकि बीटा के स्थान पे हमने गामा लिख दिया, बराबर 90 अंश। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब बीटा आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा बीटा बराबर 120 अंश। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है। आपको, आप जानते हैं जब 120 अंश है अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इस बात को आप कैसे याद रखेंगे कि हमको बीटा 120 अंश नहीं रखना है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 7 क्रिस्टल तंत्र में हम हमेशा 90 अंश का कोण ही लेते हैं। केवल एक स्थान ऐसा है हेक्सागोनल जहाँ पर हम लोग 120 अंश का कोण लिखते हैं, वहाँ पे हम लोग लास्ट वाले एंगल को यानी कि गामा को 120 अंश लिखते हैं, और बाकी सब में हम या तो 90 अंश के बराबर करेंगे या 90 अंश के बराबर नहीं लिखेंगे। तो ये आपको इस प्रकार से ये 6 आपको याद हो गए। तो आपको क्या करना है, जब वीडियो पूरा हो जाए तो आपको एक बार अपने कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं हम ट्राई क्लिनिक की। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप देखते ही देख ही रहे हैं यहाँ पे ट्राई क्लिनिक नाम है, तो क्लिनिक मीन्स एक दवा का नाम, ट्राई मीन्स 3। तो सोचिए जो 3 डॉक्टरों की सलाह ले रहा होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, उसकी हालत बहुत ही ख़राब होगी, यानी कि उसके जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, बहुत परेशान होगा बेचारा। तो यहाँ पे क्या है, उसका ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कुछ भी बराबर नहीं है, कुछ भी बराबर यानी कि सही कंडीशन में नहीं है। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और इसी तरह अक्षीय कोण भी इसके बराबर नहीं है, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो 3 डॉक्टरों की दवा चला रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी, उसके शरीर में कोई भी जो पार्ट हैं वो बराबर काम नहीं कर रहे होंगे। तो जितने भी बराबर हैं सबको आप काट दीजिए। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, अक्षीय कोण में आप लिखेंगे अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाया है। आप, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि एक बार आप अपनी कॉपी पे खुद से इस टेबल को बना के प्रैक्टिस कर लें, मेरी गारंटी है कि आपको ये नहीं भूलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई विचार है या फिर कोई आपका कन्फ्यूजन है इस वीडियो में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी विचार हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो में।